रुक करते हैं अगली खबर का, भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में अब एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है। नई बीमारी है स्क्रब टाइफस और इसको लेकर अब अलर्ट भी जारी हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट किया है। चूहे के जरिए ये जानलेवा बीमारी फैल रही है। अब तक 13 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, सीधी और जबलपुर से मामले सामने आए हैं। नई बीमारी ने दस्तक दी है, स्क्रब टाइफस को लेकर अलर्ट जारी किया है स्वास्थ्य विभाग ने। हम रुख करेंगे आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता का, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकर्ष, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक नई नई बीमारियां आ रही है। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स का हमने नाम सुना, उसके बाद कुछ और बीमारी आई और अब ये नई स्क्रब टाइफस बीमारी फैल रही है। कहा कि लगातार हम देख रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं और यही हम देख रहे हैं। राजधानी भोपाल में 15 दिनों में 13 मरीज जो हैं स्क्रब टाइफस के सामने आ चुके हैं। और यदि अन्य जिलों की बात करें तो मंदसौर की बात करें, रायसेन की बात करें या फिर तमाम 52 जिलों के, क्योंकि राजधानी भोपाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रहती हैं, यही कारण है कि जो मरीज हैं वो राजधानी का रुख करते हैं। ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल के निजी अस्पतालों की बात करें और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो अलग अलग जिलों के करीब 150 मरीजों का इलाज स्क्रब टाइफस के राजधानी भोपाल में चल रहा है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये चूहों के द्वारा इंसानों में फैलता है और जानलेवा बीमारी है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो है इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है तमाम अस्पतालों में और आम लोगों को भी लगातार जिले स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर अभियान भी चलाए जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक जानलेवा बीमारी ने मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें आप छोटे छोटे जिलों में दस्तक दे दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है, नहीं तो हालात कोरोना जैसे भी हो सकते हैं। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया आकर्ष इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है अलग अलग जिलों में और अलर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों में प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग के महकमे को अलर्ट रहने को कहा है।